मंदसौर में पिछले साल पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे। उन्होंने ऐलान किया कि मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे अगर फसल बिकी तो उसे आपराधिक मामला माना जाएगा, जुर्म दर्ज होगा। अब विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया है, क्या इसके बाद किसानों को फसल का सही दाम मिल रहा है? बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी हाइक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। इसके पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मैक्सिमम हाइक यदि किसी गवर्नमेंट ने दी थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक बार दिया था। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को ऐतिहासिक बताया। सोयाबीन की कीमत 3,050 रुपए प्रति क्विंटल से 3,399 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा फैसला था क्योंकि देश में सोयाबीन की पैदावार का लगभग 55% हिस्सा मध्य प्रदेश से आता है। लेकिन सच्चाई चलो इसके 2000 रुपए, 2000 एक 2000 तो 2000, 50 एक 1000 तो 50, 51 2100 रुपए, 2150 एक 1000 तो 55, 60 रुपए, 2250। भरतखेड़ से आए अशफाक की सोयाबीन 2750 रुपए प्रति क्विंटल बिकी, एमएसपी से 649 रुपए प्रति क्विंटल कम। 50 एक 50 तो 50, जमुनिया खुर्द से आए जगदीश प्रसाद को थोड़ी बेहतर कीमत मिली, 3,266 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन उनका कहना था उनकी सर्वोत्तम क्वालिटी की उपज के लिए रकम बहुत कम है, नकद की जरूरत थी सो बेचना पड़ा। मजबूरी हम लोग सोयाबीन के लिए खरपतवार नाशक दवाई खरीदना, बीज के पैसे देना, खाद के देना, बेचना हम लोग कोई भी भाव के। सरकार क्या एक तरफ तो बोल रही 3,399 और एक तरफ व्यापारी 3,266 खरीद रहा है। सरकार का कहना कुछ है और करना कुछ है। आपकी तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की, नंबर एक क्वालिटी सर, छना हुआ है, बेस्ट क्वालिटी है बीज का सोयाबीन में। मुनिया खेड़ा से आए मुकेश और उनके भाई भागवत ने 30 क्विंटल सोयाबीन 3,220 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेची, कहते हैं इतने में लागत भी नहीं निकलती। यहाँ मंडी में जो भी भाव जाएगा, हमारे लोगों की मजबूरी है। अब तुलाई के टाइम पे अब 3200 सर, 3,339 कितने सरकार ने किए हैं, खरीद ली, समर्थन रखा है। लेकिन अब रखा है तो व्यवस्था कहाँ है बेचने के लिए उनकी, मतलब हम कहाँ बेचने, मतलब आप कह रहे हैं कि खरीफ चूंकि अभी अक्टूबर नवंबर में बिकेगा तो आपके पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अब पैसे की जरूरत पड़ने को आई है, हम लोगों को नकद देना पड़ेगा, नकद देना पड़ेगा, बीज सब चीजों में, वही खाद के लिए जो लिए है अब उनको वापस देना है, और फिर कटाई में भी पैसा चाहेगा। किसान नाखुश इसलिए है कि जो सरकार, जो किसान तो पैदा करता है, अपनी फसल का दाम खुद नहीं रख पाता है, दूसरे लोग किसान का भाव रखते हैं। दिक्कत सिर्फ समर्थन मूल्य को लेकर नहीं है, किसानों का आरोप है कि भले ही सरकार ने 50,000 रुपए तक नकद देने की बात कही हो लेकिन व्यापारी 10,000 रुपए से ज्यादा नकद पर 2% कमीशन मांगते हैं। 55-60 यहाँ जब नकद पेमेंट मांगा तो कहले 2% काट के ले लो आप, ठीक है ना, तो हम वापस आ गए। तो आपने कहा नहीं कि सरकार तो कहती है नकद दे सकते हैं? हाँ, बोला ना, बोला ना कि भाई सरकार बोलती है कि नकद ले लो, और आप बोल रहा कि ये कि 2% काट के ले लो नकद, नहीं लिया हमने। हालांकि व्यापारी कहते हैं ये आरोप सरासर गलत है, ये गलत खबर है। हमने शासन से ये आग्रह किया है कि आप अपनी स्थिति इनकम आयकर प्रावधानों के हिसाब से स्पष्ट करिए। किसान के लिए मंडी एटीएम का कार्य करती है कि उसको जितने पैसे की जरूरत है वो अपना माल बेचे और पैसे ले जाए। 2% वाली बात सरासर गलत है। व्यापारियों की आड़ में किसान की साथ साथ यहाँ व्यापारी भी आते हैं। चलो भाई 15। कृषि लागत और मूल्य आयोग उत्पादन लागत तय करने के 3 तरीकों को स्वीकारता है। एटू लागत में किसान की ओर से किए गए सभी तरह के भुगतान शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, सिंचाई, ईंधन आदि खर्च को जोड़ा जाता है। A2 जोड़ FL में A2 की लागत के साथ परिवार के सदस्यों की ओर से खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। C2 में समग्र लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमानित किराया और पूंजी पर दिए जाने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। लेकिन जो नई दरें घोषित हुई उनमें वृद्धि C2 पर नहीं हुई। उधर खाद उर्वरक के दाम तेजी से बढ़े। सरकार ने इसी साल सोयाबीन बीज प्रति क्विंटल 550 रुपए की बढ़ोतरी की। DAP डीजल सब महंगा हो गया, इसलिए बढ़त के बावजूद किसान की झोली खाली है। लगभग 1,000-1,500 रुपए क्विंटल का
प्रति क्विंटल धान में नुकसान है, सोयाबीन में 1000 रुपये क्विंटल नुकसान है, तुअर में 4000 रुपये क्विंटल नुकसान है। किसानों की सरकार ने किसानों को फायदा देने की कोई योजना ही बने। GST आने के बाद इनपुट की दरें बढ़ी हैं, डीजल 15 रुपये लीटर एक्स्ट्रा लग गया है, DAP की कीमत बढ़ी है, यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी अब 45 किलो की आने लगी, भाव बढ़ गया है, सिंगल सुपर फास्फेट की कीमत बढ़ी है तो और BD साइड की कीमत बढ़ी, हर चीज़ में किसान को नुकसान हुआ है और किसान की उपज का मूल्य कम हुआ है। सरकार कहती है जिसे नुकसान हुआ उसकी भरपाई भावांतर से करेंगे। बहुत अच्छी A1 क्वालिटी की थी वो 3150 रुपये में गई है, अभी पर्ची कैरियर रसीद भी हमारे पास। नहीं 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 ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अब वो जो समर्थन मूल्य पे उसके लिए या तो उसको भावांतर का राशि दी जाएगी, तो अभी क्या है, अभी तो कोई सीजन है नहीं, जब सीजन प्रारंभ होगा तो भावांतर में ये जो समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य इसके बीच का अंतर है ये भावांतर में किसानों को दिया जाएगा, लेकिन 3499 रुपये जो समर्थन मूल्य है ये निश्चित रूप से किसानों को दिया जाएगा। मंत्री जी अगर हमारे साथ राजधानी भोपाल से बस 100 किलोमीटर दूर सीहोर के इन खेतों में आते तो भावंतर का गुणगान समझ लेते, क्योंकि मंडी से दूर खेत जोता किसान भी नए मूल्यों से खुश नहीं है। उसका कहना है कि पहले के सालों में वो सोयाबीन 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक बेच चुके हैं। सोयाबीन में अगर समर्थन मूल्य दिया जाए और किसान को फायदा किया जाए तो वो कम से कम 5000 रुपये होना चाहिए, तब जाके किसान की लागत निकलेगी। और तो भावंतर तो दे रही है सरकार, भावंतर दे रही है, पागल बना रही है, भावंतर के पैसे पिछले साल तक के अभी तक नहीं आए मेरे तो। अच्छा जी हाँ, क्या क्या रेट दिया था भावंतर में? भावंतर में 300-400 रुपये बढ़ा के दिया। सन 2006 से और 10 तक सोयाबीन 5000 रुपये क्विंटल बिकता था और DAP की बोरी 800 रुपये की थी, वो DAP की बोरी 1200 रुपये हो गई और सोयाबीन 5 जगह 3000 रुपये हो गया, तो उसमें किसान को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भावंतर से किसान को नुकसान हुआ ना, व्यापारी जो फसल मनमाफी तरीके से खरीदता था वो खरीदते नहीं, उसे पता आपको तो मिलना 3500 रुपये, हम क्यों खरीदे इस भाव में? किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले इसके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की। इन भावों पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है, हर सरकारी काम की तरह इसकी प्रक्रिया भी काफी जटिल है। पहले फसल तौलने के लिए किसान को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जब फसल तुल जाती है तो पैसे मिलने भी 1 महीना लग जाता है। जो किसान फसल रोकना चाहते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस भी पर्याप्त नहीं है, यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे की सरकार ने जोर शोर से चर्चा की, लेकिन मंडी में आए किसानों का कहना है कि इन सब से सीमित सफलता ही मिलेगी, क्योंकि जो उनकी लागत है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो चाहते हैं ज़्यादा आर्थिक आज़ादी, न सिर्फ उत्पादन में बल्कि विपणन में भी, नहीं तो उनका कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगी और उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।